नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य में आज की कक्षा का प्रकरण है बिहारी के दोहे व्याख्या भाग 3। जैसा कि इससे पहले भी हम दो भागों में बिहारी के महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या कर चुके हैं, तीसरे और इस अंतिम भाग में बचे हुए दोहों की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। पहला दोहा है बिहारी का और ये दोहा बहुत ही अधिक जाना जाता है। बिहारी की गागर में सागर भरने की कला के लिए कि किस तरह से बिहारी ने दोहे जैसे छोटे से छंद में पूरी की पूरी एक लव स्टोरी को, एक प्रेम कथा को गूंथ कर रख दिया है, भर कर रख दिया है, वो हम इस दोहे को पढ़ के बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। ये दोहा उत्कृष्ट उदाहरण सिद्ध होता है बिहारी की इस भाषा की समाहार शक्ति का कि किस तरह से शब्दों की समास कला द्वारा बिहारी दोहे जैसे छोटे से छंद में गागर में सागर भर देते हैं, भावों को गूंथ गूंथ कर भर देते हैं। और उनके दोहों में शब्दों को जो फिट करने की कला है वो इतनी कुशलता से की गई है कि उनका प्रत्येक दोहा एक ऐसे हार के समान प्रतीत होता है कि जो शब्द रूपी मणियों से कुथा हुआ है, गुंथित है और जिससे एक भी शब्द को इधर से उधर हटाया नहीं जा सकता। तो चलिए देखते हैं पहला दोहा। बिहारी कह रहे हैं, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सब बात। कि यहाँ पर बिहारी ऐसे नायक और नायिका का वर्णन करते हैं जो एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए हैं, आकंठ निमग्न हैं, परंतु वे एक ऐसी जगह भेंट कर रहे हैं जहाँ उनके अतिरिक्त और भी कई लोग उपस्थित हैं, भवन है और भवन भरा हुआ है लोगों से। अब दोनों में प्रेम है तो एक दूसरे को देखकर बिना बात किए, बिना संदेशों का आदान प्रदान किए, बिना भावों की जो है वो मूक भाषा में बात किए दोनों भला कैसे रह सकते हैं। तो इस स्थिति में किस तरह से नेत्रों के माध्यम से दोनों एक दूसरे को अपने मनोभावों से परिचित कराते हैं, नैनों की भाषा से दोनों किस तरह से वार्तालाप करते हैं, ये बड़ी ही सुंदरता के साथ बिहारी ने वर्णित किया है कि भरे हुए भवन में लोगों के बीच अपनी प्रेमिका नायिका को देख के नायक उससे क्या कहता है, कहत नायक उससे अकेले में भेंट करने के लिए कहता है, उससे बात करने के लिए कहता है। नटत नायिका इतने सारे लोगों की उपस्थिति से लज्जा का भान करके नायक के इस प्रस्ताव को मना कर देती, नकारात्मक उत्तर देती है, नटत मना कर देती है। रीझत चूँकि नायक भी मन ही मन में ये जानता है कि नायिका ऊपरी मन से उसे जो है वो मना कर रही है, विरोध कर रही है, और आंतरिक मन से तो वो भी चाहती है कि नायक के साथ मिले बैठे अपने मन की बात उससे बताए, तो नायक उसके ऊपरी मन से इस तरह से मना करने को समझ जाता है और उसके इस भाव पर वो रीझ जाता है। अब नायक को इस तरह से अपने ऊपर रीझते देख करके नायिका खींच जाती है कि भाई मैं बार बार समझा रही हूँ, इतने लोगों की उपस्थिति में इस तरह से यदि हम एक दूसरे की तरफ ही ध्यान केंद्रित किए रहेंगे तो किसी को पता चल जाएगा, सबके बीच हमारा भेद खुल जाएगा प्रेम का। परंतु इसी रीझने और खींचने के मध्य दोनों के नेत्र परस्पर मिल जाते हैं, मिलत खिलत, दोनों के नेत्र मिलते ही उनके मन खिल जाते हैं, दोनों मानो एक दूसरे से नेत्रों के माध्यम से ही वार्तालाप कर लेते हैं। लजियात तभी नायक और नायिका को ये भान होता है कि वो
इस स्थान पर अकेले नहीं है, उनके अलावा अन्य भी कई लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। तो लज्जियात, अन्य लोगों की उपस्थिति का भान होते ही वे दोनों लज्जित हो जाते हैं। इस तरह से भरे भवन में करत हैं नयनन ही सब बात, कि भरे हुए भवन में दोनों नेत्रों के माध्यम से एक दूसरे को अपने मनोभावों से परिचित करा देते हैं और अपने प्रेम का संदेश जो है वो आदान प्रदान करने का कार्य बड़ी ही कुशलता के साथ कर लेते हैं। तो बड़ा ही सुंदर दोहा है जिसमें बिहारी की भाषा की समाहार शक्ति जो है और वाक चातुर्य जो है वो हमें दिखाई देता है। दूसरा जो दोहा है वो भी कुछ इसी तरह का है। लख गुरजन बिच कमल सो शीश छुआयो श्याम, कि अपनी प्रेयसी राधा को गुरुजनों के बीच में बैठे हुए देखकर श्री कृष्ण अर्थात श्याम क्या करते हैं, कमल सो शीश छुआयो, कि अपने शीश को वो कमल से छुआते हुए राधा को दिखाते हैं। अर्थात यहाँ पे प्रकारांतर से वो विलंब से आने के लिए राधा से क्षमा याचना करते हैं, कि यहाँ पे कमल प्रतीक है राधा के पैरों का, तो राधा के पैरों अर्थात कमल को वो अपने शीश से लगा करके क्षमा याचना करते हैं कि हे माननी, किसी कारणवश विलंब हो गया है तो मुझे क्षमा कर दो। तो राधा उनके इस भाव को समझ जाती हैं और राधा बदले में क्या करती हैं, प्रत्युत्तर में राधा हरि सन्मुख करी आरसी, कि आरसी एक आभूषण था जो अंगूठी में शीशे जैसा लगा करके जो है वो नायिका पहनती थी, और उस समय चूँकि घूंघट और जो है प्रचलित था तो अवगुंठन से वो उस आरसी के द्वारा अपने आसपास अगल बगल के लोगों का चित्र लोगों को वो देख लेती थी कि कौन हमारे आसपास खड़ा है। तो हरि सन्मुख करी आरसी, कि प्रत्युत्तर में राधा उनको क्षमा करते हुए प्रसन्न होते हुए उनके प्रति प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए क्या करती हैं, कि वो अपनी आरसी को हरि के सम्मुख अर्थात हरि के सामने करते हुए फिर उसको वापस से अपने हृदय से लगा लेती हैं। अर्थात वो श्याम को बता देती हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा किया और तुम मेरे हृदय में बसे हुए हो। अर्थात आरसी में हरि की छाया को दिखा करके वो उसको पुनः अपने हृदय से लगा करके श्याम को संकेत दे देती हैं कि राधा ने श्री कृष्ण को क्षमा कर दिया। तो किस तरह से जो है भाव भंगिमाओं द्वारा नायक और नायिका लोगों की उपस्थिति में भी अपने मन की बातें कर लेते थे, अपने मन के भावों का आदान प्रदान कर लेते थे, ये बड़ी ही कुशलता के साथ बिहारी जैसा सिद्धहस्त कवि ही लोगों के सम्मुख ला सकता है। और यही वो कला है जिसके कारण बिहारी जो है वो रीतिकाल के कवियों में एक अलग ही महत्व से जो है वो अभिषिक्त हैं, एक अलग ही स्थान उनका रीतिकालीन कवियों में जाना जाता है। तीसरा दोहा देखते हैं। पाई महावर दैन को नाइन बैठी आए, कि पहले के समय में परंपरा थी कि स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए अपनी पैरों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो है महावर देती थी, रंग लगाती थी पैरों में। तो इसी परंपरा के अंतर्गत नाइन आ करके नायिका के पैरों को महावर लगाने के लिए बैठी हुई है और सखियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं कि उस नायिका की पैरों की एड़ियां स्वाभाविक रंग से इतनी लाल और इतनी सुंदर हैं कि वो नाइन जो महावर लगाने के लिए बैठी है आकर के, वो फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए, कि वो महावर की गोली के बिना नायिका की एड़ियों की लालिमा देखकर भ्रमवश बिना महावर लगाए ही उसकी एड़ियों को मीड़ती जाती है अर्थात रगड़ती जाती है, अर्थात वो जान ही नहीं पाती कि उसने नायिका की एड़ियों में महावर लगाया ही नहीं है। तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है बिहारी ने। चौथा दोहा देखते हैं कि नेहु ननैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, ये नेह नेह अर्थात स्नेह प्रेम, नेह ननैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए,
नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाए। कि भैया ये स्नेह क्या है, नेत्रों की एक बड़ी बला है जो कि उत्पन्न हो करके व्यक्ति के चित्त को संतप्त कर देती है, हर समय एक अनोखे दुख से भर देती है। कि ये नेत्र प्रतिदिन प्रिय के चाह में, प्रिय के दर्शन की चाह में नीर से भरे रहते हैं, परंतु फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती। कि भाई नीर या जल से तो व्यक्ति की प्यास बुझती है ना, परंतु यहाँ पर जल से भरे होने के बाद भी नेत्रों की प्यास नहीं बुझती है। तो ये जो है वो बिहारी का बड़ा ही सुंदर दोहा है जो नायिका की दुखपूर्ण स्थिति को जो है वो दिखाता है। तो बड़ी ही सुंदरता के साथ जो है वो बिहारी नायिका की दयनीय दशा को प्रस्तुत कर रहे हैं। पांचवा दोहा देखते हैं। ये दोहा बड़ा ही महत्वपूर्ण है बिहारी के संपूर्ण काव्य में। कि बिहारी जो है वो जयपुर के राजा के दरबारी कवि थे, और जो है वो राजा अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो राजकाज भूल करके अपने भवन में अंतरंग समय व्यतीत करने लगते हैं। तो एक कवि जो कि जिसका कर्तव्य न केवल राजा के प्रति बल्कि राज्य के प्रति भी होता है, तो वो कभी किस तरह से अपने राजा को उनके कर्तव्य का भान दिलाता है, किस तरह से कवि समाज का भी प्रहरी होता है, ये दिखाया है बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से। कि बिहारी ये दो पंक्तियों का दोहा लिख करके अंदर भेज देते हैं और राजा इस दोहे को पढ़ करके उनको अपनी गलती का, अपनी भूल का अनुभव होता है, और वो अपनी भूल को जो है मानते हुए बिहारी से जो है क्षमा मांगते हैं और पुनः राजकाज में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो दोहा देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ये दोहा दो अर्थों में है, अन्योक्ति के अर्थ में, एक भ्रमर के अर्थ में और एक राजा के अर्थ में। कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। कि बिहारी कहते हैं कि हे भोरे हे भ्रमर, नहीं पराग, अभी तो इस पुष्प में ना पराग है और ना ही मधुर मधु की संभावना है। क्यों? क्योंकि अभी तो इस कली का विकास ही नहीं हुआ है, ये तो अभी अपने प्रस्फुटन को भी प्राप्त नहीं हुई है, अर्थात अभी तो ये विकसित ही नहीं हुई है। अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल, और अभी से ही भौरा इस कली में बंद करके रह गया है, इसके प्रेम में वसीभूत हो करके रह गया है। तो आगे जब ये विकास को प्राप्त होगी, अर्थात जब ये अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त होगी, तब उस स्थिति का भला कौन भान कर सकता है, आगे कौन हवाल, तब उस स्थिति में के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो राजा को उनके कर्तव्य बोध की प्रेरणा देने वाला ये दोहा बिहारी के संपूर्ण साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कि कवि जो है उसका कर्तव्य अपने राज्य के प्रति सर्वप्रथम होता है। छठा दोहा देखते हैं। लाल तुम्हारे बिरह की अगन अनूप अपार, सरसे बरसे नीर हूँ झर हूँ मिटे न झार। कि बिहारी कहते हैं कि एक दूती जाकर के नायक को बताती है कि हे लाल, तुम्हारे बिरह की अग्नि तो बड़ी ही अनूप है, अनुपम है, अर्थात उसकी कोई समता ही नहीं, और बड़ी अद्भुत भी है। कैसे? कि आम तौर पर यदि अग्नि प्रज्वलित होती, आग कहीं लगती है, तो वो जल से शांत हो जाती है, अर्थात जल का प्रयोग करके हम अग्नि की जो है वो जलन को कम कर सकते हैं, अग्नि को बुझा सकते हैं, परंतु यह प्रेम रूपी तुम्हारे जो विरह की अग्नि प्रज्वलित हुई है, ये तो सर से बरसे नीर हुई, ये तो सर से नीर के बरसने पर भी शांत नहीं होती, और झरहों मिटे न झार, तथा सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करके भी इसकी झार तनिक भी कम नहीं होती, अर्थात यह अग्नि निरंतर नायिका को अपनी जलन से संतप्त करती रहती है। सातवां दोहा देखते हैं बिहारी का, जो कि बिहारी की भक्ति भावना का परिचायक है। बिहारी कह रहे जगत जनायो जिह सकल, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है कि जगत जनायो जिह सकल, सो हरि जानियो नाही,
जिन आखिन सब देखिए आखिन देखी जाही। के बिहारी कहते कि जिन्होंने हमें इस संपूर्ण जगत से परिचित कराया है, अर्थात जिन्होंने हमें इस धरती पर जन्म दिया है, जिनके कारण हम इस मानव शरीर को लेकर के इस धरती पर जन्म लेकर के अपने सत्कार्यों द्वारा अपनी मुक्ति का मार्ग जो है वो ढूंढ सकते हैं, उन हरि को ही हम नहीं जान पाते। अर्थात हम अपना जीवन विषय वासनाओं में ग्रस करके सिर्फ सांसारिक सुख की प्राप्ति में, शारीरिक सुख की तृप्ति में लगा देते हैं, उस परमात्मा को जानने का प्रयास ही नहीं करते, उनकी भक्ति के लिए कोई भी प्रयास नहीं करते। तो जगत जनायो जी सकल सो हरि जान्यो नाही, और जिन आँखें सब देखिए आँखें न देखी जाए, उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया है बिहारी ने, कह रहे हैं कि बिल्कुल उसी प्रकार जिस तरह से जिन आँखों के द्वारा हम संपूर्ण संसार को देखते हैं उन आँखों को हम स्वयं नहीं देख पाते, उसी तरह वो परमात्मा जो हमें ये शरीर दे करके हमारे इस संसार में सत्कर्मों का मार्ग पुष्ट करता है, उस परमात्मा को ना हम ढूंढने का प्रयास करते हैं ना ही उनको जानने का प्रयास करते हैं। अर्थात प्रकारांतर से बिहारी ये कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन काल में अपने परमात्मा की, अपने इष्ट की, अपने ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। अब आठवां दोहा देखते हैं। खेलन सिखाए अली भले चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग नारन नागर नरन शिकार। कि यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है, बिल्कुल उल्टी बात कही गई है। क्या कि आम तौर पे क्या होता है कि शेर जो है वो मृगों का शिकार करता है, लेकिन इस दोहे में बताया गया है कि किस तरह से नैन रूपी मृग जो है वो चतुर नरों का शिकार करना सीखते हैं। तो खेलन सिखाए अली भले चतुर अहेरी मार, कि नायिका की सखियाँ उससे कह रही कि हे अली, तुम्हारे सुंदर नेत्रों को कामदेव रूपी चतुर अहेरी अर्थात शिकारी ने तरह तरह का खेल खेलना सिखा दिया है। कानन चारी नैन मृग, और उसके शिक्षाओं को सीख कर जो है तुम्हारे कानन चारी कानों तक फैले बड़े बड़े नेत्र रूपी मृग नगर में रहने वाले सुघड़ और चतुर नरों का शिकार करना भी सीख गए हैं। तो यहाँ पर विरोधाभास जो है वो व्यक्त किया गया है कि आमतौर पे सिंह द्वारा मृग का शिकार किया जाता है, परंतु यहाँ कामदेव ने काम कलाओं की दीक्षा दे करके नायिका के नेत्र रूपी मृगों को सुघर और चतुर नरों का शिकार करना सिखला दिया है। तो इस तरह से हम देखते विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आशा है कि इस कक्षा में सभी दोहे आपको अच्छे लगे होंगे, और बिहारी के दोहों को पढ़ने और पढ़ाने दोनों में ही बड़ा आनंद आता है। तो अब अगले वीडियो में हम घनानंद, जो कि रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, उनके विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।